हेलो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। IPL के कई खिलाड़ियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बोर्ड की ओर से ये फैसला लिया गया। मामले बढ़ते देख भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ी इससे हटने पर विचार कर रहे थे। IPL को फिलहाल टाल दिया गया है और इसके बाकी मैच कब करवाए जाएंगे इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। सोमवार को पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होने वाले मैच को कोरोना के चलते टाल दिया गया था। यह मैच अहमदाबाद में खेला जाना था। कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वारियर COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे। IPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के मुताबिक मंगलवार को अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया था। BCCI के कई अधिकारियों और फ्रेंचाइजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स के दल के दो सदस्यों बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस के क्लीनर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। CEO काशी विश्वनाथन की दूसरी रिपोर्ट सोमवार शाम को निगेटिव आई थी। हालांकि बालाजी और बस के ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई। कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के चलते अपने देश लौट गए थे। इसमें एडम जेम्पा, एंड्रू टाय और केन रिचर्डसन शामिल थे। राजस्थान के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने बायो बबल की थकान से तंग आकर इंग्लैंड लौटने का फैसला किया था। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी 25 अप्रैल को IPL से ब्रेक लेने का फैसला किया था।